नगरी में 8 दिसंबर से पहलवानों का जलवा दिखेगा। आगरा कुश्ती संघ सब जूनियर बालक बालिका वर्ग की चैंपियनशिप कराने जा रहा है। प्रदेश स्तरीय इस आयोजन की जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। आगरा कुश्ती संघ जल्द ही प्रदेश स्तरीय सब जूनियर कुश्ती बालक बालिका वर्ग के अंडर 17 आयु वर्ग की प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रही है। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए संघ के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के दौरान आगरा कुश्ती संघ के नवागत अध्यक्ष नितेश शर्मा ने आयोजन की जानकारी दी। आज हम लोग जितने भी हमारे कोर कमेटी के सदस्य हैं, रंगलाल गौतम जी, नेत्रपाल जी और हमारे कोच साहब हैं, ये तो नेशनल कोच साहब हैं, और पुरुषोत्तम खंडेल पुरुषोत्तम जी, MD भाई और चार जी, देवेन चार जी, ये सभी लोग हमारी इस कमेटी के सदस्य हैं। और एक हम एक ऐसा आयोजन करने जा रहे हैं आगरा में कुश्ती संघ की ओर से उत्तर प्रदेश स्टेट लेवल की चैंपियनशिप की प्रतियोगिता हो रही है, जिसमें बालक बालिका दोनों कैटेगरी रखी गई हैं, अंडर 17 सब जूनियर। इसमें हमने प्रतियोगिता की जो तारीख रखी है वो 8, 9, 10 रखी है। 8, 9, 10 दिसंबर को ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसका स्थान RCS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रखा गया है सहारा के पास फतेहपुर सीकरी रोड पर। खिलाड़ियों का आगमन हमारा 7 तारीख से शुरू हो जाएगा शाम से, जो आपका 8 तारीख को सुबह 10 बजे तक लास्ट रहेगा। 8 दिसंबर को सभी खिलाड़ियों की और कोच की और जो भी हमारी ऑफिशियल टीम होगी उन सभी का स्वागत होगा सुबह 10 बजे, और दोपहर 12 बजे हमारी ऑफिशियल टीम की सभी की सभा होगी। 1 बजे से हमारे खिलाड़ियों के वजन लिए जाएंगे सभी भारों के लिए। बालक वर्ग में हम बात करें तो बालक और बालिका वर्ग में सेम है, फ्री स्टाइल में 45 kg, 48 kg, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 और 110 kg, ये हमारे फ्री स्टाइल में आएंगे। और ग्रीक और रोमन में भी सेम ही हैं, 45, 48, 51, 55, 60, 65, 71, 80, 92 और 110, ये हमारे जो भार कैटेगरी हैं। इसी कैटेगरी के लोग हमारे बच्चे जो भी हमारे कैंडिडेट होंगे वो प्रतिभाग करेंगे, और सभी को 2 तारीख तक पूरे प्रदेश में ये सर्कुलर जारी कर दिया गया है कि हर जिले को कि 2 तारीख तक आप सभी अपने ट्रायल कराकर अपनी टीम को नियुक्त कर यहाँ भेजें। हाँ, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि ये जो हमारी उत्तर प्रदेश सब जूनियर चैम्पियनशिप कुश्ती का उत्सव होने जा रहा है, उसकी लगभग सारी तैयारी यहाँ पूरी कर ली गई हैं, और लगभग 40 जिलों से प्रतिभागी पहलवान प्रतिभाग करने आ रहे हैं, जो हमारे एक आगरा के लिए बहुत गौरव की बात है कि अपने स्टेट से हमारे ही केवल आगरा को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसकी सारी व्यवस्थाएं इनके पहले जो है सूचना वगैरह सब 2 तारीख तक पहुंची जाएगी, और 8, 9, 10 दिसंबर को ये प्रतियोगिताएँ होंगी, और लगभग सभी पहलवान 7 तारीख के आगमन हो ही जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा कुश्ती संघ का प्रोग्राम है बहुत ही एक उत्साहवर्धक है। इससे हमारे क्षेत्र के बहुत से पहलवानों को जिन्हें पहलवानी का बहुत शौक है तो उनको भी एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा, जिससे वो इस क्षेत्र में कदम रख के अपने को प्रोत्साहित कर सकते हैं और अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सकते हैं, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही उत्साहवर्धक और अच्छा कार्य है। कुश्ती के दौरान हम 2 मैच पर कुश्ती कराएंगे, जिनका डायमीटर 12x12 मीटर का होता है, और खाने की व्यवस्था भी, और 1000 से 1200 तक खिलाड़ी आएंगे, क्योंकि टोटल सभी व्यवस्थाएँ RCM मेमोरियल कॉलेज में होंगी। बहुत अच्छी खाने पीने व्यवस्था होगी, ब्रेकफास्ट लंच डिनर होगा, और सुबह 8 बजे 8 तारीख को सुबह से ही खाने की व्यवस्था शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये हमारा जो कार्यक्रम हो रहा है ये 5वां है, 3 हमने राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के कंपटीशन कराए हैं, ये दूसरा हो रहा है प्रदेश स्तरीय, और इससे हमें थोड़ा फ़ायदा आप लोगों के उससे हुआ है। इस साल हमारे पहलवानों ने 15 मेडल जीते हैं नेशनल में और विभिन्न विभिन्न प्रतियोगिताओं में, तो थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हमारी कुश्ती को बढ़ावा दे रहा है, और हमारे अध्यक्ष जी ने संकल्प लिया है कि हम कुश्ती को
बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। ये प्रतियोगिता 8 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी। खिलाड़ियों के रहने भोजन की भी व्यवस्था रहेगी। पूरे प्रदेश से इस प्रतियोगिता में खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे आगरा में स्टेट लेवल की 17 जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप हो रही है। अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार सारी तैयारियां विद्यालय में कैंपस में कर ली गई हैं और ये बहुत अच्छी मिसाल रहेगी। सभी खिलाड़ी वहाँ आएंगे, उनकी हमें मेजबानी का मौका मिलेगा और उनको हम अतिथि सत्कार के साथ उस विद्यालय में खिलवाएंगे। ये जो स्थल है ये RCS मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये पथौली रोड से जो सहारा है वहाँ पर ये कार्यक्रम होगा और इसका जो समय है वो 8-9-10 दिसंबर तारीख है। कुश्ती, मैट्रिक कुश्ती को 5 वर्गों में बांटा हुआ है, सब जूनियर, जूनियर, अंडर 23 और सीनियर, उसे होती है अंडर 14। तो ये जो हम करा रहे हैं सब जूनियर है, जिसमें 17 साल तक के बच्चे इसमें भाग लेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से लगभग पहलवान आते हैं इसमें। 1000 बच्चे जो अध्यक्ष में बता चुके हैं कि 1000 पहलवान इसमें प्रतिभाग करेंगे और पूर्व में भी जिले में कार्यक्रम हो चुके हैं और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ ने हम पर भरोसा जताया और हमें इस बार उत्तर प्रदेश चैंपियनशिप कराने का दोबारा से मौका दिया। इससे पूर्व में भी कई कार्यक्रम हो चुके हैं और बाकी मीडिया हमें बहुत सपोर्ट करती है और आप ही के सपोर्ट से ही इसका प्रचार प्रसार हो पाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे उतना ही कुश्ती को आगे हम बढ़ा पाएंगे, जो पहलवान है उनको भी लाभ मिलेगा। इस प्रतियोगिता में 1000 बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रही हैं। 3 दिनों तक खिलाड़ियों का कुंभ मेला आगरा में लगेगा। बालक वर्ग फ्री स्टाइल में कई वेट कैटेगरी रखी गई हैं, जबकि बालिका वर्ग में भी कई वेट कैटेगरी भी रखी गई हैं। प्रदेश से लगभग 40 जिलों के खिलाड़ी भाग लेंगे। प्रत्येक टीम के साथ 30 खिलाड़ी रहेंगे। PC के दौरान कोर कमेटी के सदस्य लेफ्टिनेंट ने राष्ट्रीय कोच नेत्रपाल सिंह, राजीव सोही, देवेश शुक्ला, विनय सिंह पहलवान, योगेश शर्मा, अजय चाहर, मनोज पारशर, देवेंद्र नाहर, राजकुमार चाहर भी मौजूद रहेंगे। CNews के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।